आज दो फिल्मों का साथ में एक ही वीडियो में रिव्यू करूंगा क्योंकि धंधा बहुत ही मंदा चल रहा है। सबसे पहले मैं रिव्यू करूंगा बायोपिक स्वतंत्र वीर सावरकर स्टारिंग रणदीप हुड्डा, पहले आर्टिकल 370 बस्तर, अब स्वतंत्र वीर सावरकर एंड आने वाली फिल्म JNU। ये सारे फिल्मों को देखकर तो गुंगा भी बोल देगा कि लगता है इलेक्शन नहीं आने वाला है इसलिए ये सब फिल्म आ रही है। खैर चलो कोई बात नहीं, अपना काम है रिव्यू करना, बाकी गवर्नमेंट का तो प्रमोशनल कैंपेन चलता रहेगा। लेकिन चला इतना ध्यान अगर मणिपुर लद्दाख वाले केस में दिए रहते तो ऐसे काइंड ऑफ फिल्म बनाने के लिए बोलना नहीं पड़ता, अपने आप ही आती वो भी इलेक्शन के बाद भी। एनीवे स्वतंत्र वीर सावरकर 3 घंटे की एक लंबी पिक्चर है जो हमें उस इतिहास से वाकिफ कराती है जिनको शायद हमने कभी पन्नों में पढ़ा नहीं था, क्योंकि पन्नों में तो हमने आई लव यू सीमा रेखा के ड्राइंग बना के रखी थी ना। सॉरी मजाक करो, बट पूरी फिल्म को एक तरफ करो एंड रणदीप हुड्डा के काम को एक तरफ करो, वो बंदे ने अपने सरबजीत मूवी वाले काम को याद दिला दिया। ऐसा लग रहा था कि यहां पर इसने जान आत्मा सब कुछ कुर्बान कर दिया एंड इसका ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर आप बोल दोगे कि अगर ये 10-15 मिनट और एक्टिंग करे तो इसकी जान भी जा सकती थी। क्रिश्चियन बल्ले बल्ले को रिप्लाई अपना रणदीप हुड्डा। फिल्म की स्टोरी को देखकर कितने लोग प्रोपेगेंडा समझेंगे, कितने लोग इलेक्शन कैंपेन समझेंगे एंड अगर जो कुछ भी ना समझ पाए तो उनके लिए बागीफोर आ रहा है Amazon Prime पे, टेंशन मत लो। अब अगर मैं इस फिल्म को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 1 घंटा भी नहीं चलेगी, ये तो कड़वा सच है, बट द फिल्म इज एक्चुअली गुड विद द एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ऑफ रणदीप हुड्डा। अ फिल्म लिटरेचर टाइप लग जाती है विद शॉकिंग सीन्स एंड डायलॉग। भाई 27 साल तक जेल में रहने के बाद भी इस बंदे ने अंग्रेजों के साथ साथ ना जाने कितनों की गाड़ फाड़ के रखी थी। अरे गांधी बापू ने अगर इस फिल्म को देख लिया ना तो वो 2000 के नोट में भी रो देंगे। फिल्म की स्टोरी कितना सच बताती है इसका तो पता नहीं, लेकिन झूठ दिखाए ऐसा तो फिल्म नहीं हुआ। रणदीप हुड्डा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म टेक्निकली वेल मेड भी लगती है, इनफैक्ट परफॉर्मेंस भी पूरे कास्ट का, लाइक अमित सियाल, अंकिता लोखंडे, सबका काम एक्सीलेंट। सो ओवरऑल जैसे स्कूल टाइम पे हिस्ट्री लेक्चर सुन के आप बंक मार देते थे, स्वतंत्र वीर सावरकर इस फिल्म को आप बंक मार के देखोगे क्योंकि इतनी तो कमाल की फिल्म है। मैं फिल्म को दूंगा 3 out of 5 स्टार, रणदीप हुड्डा को 100 out of 100 स्टार। क्या काम किया यार, मेरे को तकलीफ हो गई उसको इस तकलीफ में देख के, स्पेशली जेल वाले सीन में। तो दूसरी फिल्म मडगांव एक्सप्रेस डायरेक्टेड बाय कुणाल खेमू देखकर आ रहा हूं। सबसे पहले ये फिल्म उन क्यूट मारे के लोगों को जवाब है जिनको लगता था कि कॉमेडी फिल्म आज के टाइम पे बनाना सबसे टफ है। अरे भाई मडगांव एक्सप्रेस देखकर आओ, तुमको मालूम पड़ेगा कि कॉमेडी रिलेटेबल और देसी होनी चाहिए, ना कि व्हाट्सएप जोक्स। नहीं मतलब मैं ये सोचा नहीं था कि अपना वो गोल्डन टाइम वापस आएगा लाइक ढोल धमाल गोलमाल हेरा फेरी वाली कॉमेडी, बट आज जब मैं मडगांव एक्सप्रेस देखता हूं तो सच बता रहा हूं हंसते हंसते आंसू आ जाते हैं। अगर मैं इस फिल्म को एक लाइन में रिव्यू करूं तो ये अपना वाला जिंदगी ना मिलेगी दोबारा विद दिल्ली वैली कांड वाली फिल्म है। फिल्म में 3 दोस्तों के गोवा जाने के ख्वाब कब कांड में बदल जाती है ये देखकर आप अपने दोस्तों को याद कर लोगे। भाई ये फिल्म परफेक्ट एग्जांपल है कि दोस्त हो और बकचोदी ना हो तो फिर क्या अकेले का दोस्ती। सबसे अच्छी बात कुणाल खेमू के राइटिंग एंड डायरेक्शन की ये लगी कि भाई साहब बंदे ने बैंड्रा में रहकर बैंड्रा वाली वाइब छोड़कर नाला सुपारा वाला तड़का डाला। अबे भाई ने रेमो डिसूजा जिनकी कलाकारी से ऑडियंस का कुछ ना कुछ सूझ जाता था एंड नूरा फतेह जिनके चेहरे पे ऑडियंस ध्यान नहीं देती थी, अरे इन लोगों को एक्टर बना दिया कुणाल खेमू ने, और क्या चाहिए। फिल्म कंप्लीटली हिलेरियस अनएक्सपेक्टेड रियल कॉमेडी के साथ साथ एंड परफेक्ट एडिटिंग के साथ नजर आती है। कुछ कुछ सीन्स एंड डायलॉग्स फ्रेम्स आप देख लोगे, बाप रे। एक सीन था जहां पीछे बोर्ड पे लिखा था एक्सीडेंट प्रोन एरिया के जगह एक्सीडेंट पॉन एरिया एंड वही पुलिस वाले का नाम चोदांकर। ओ बाप रे बाप, ये सब कौन सोचता है, कुणाल खेमू ही सोच सकते। आप सोचो ना फिल्म के एंड क्रेडिट के साथ भी इतना मजाक किया होता है कि जैसे एंड क्रेडिट आता है उसको भी लात मार के भगा के एक सीन आ जाता है, फिर एंड क्रेडिट आता है, फिर एक क्यूट सा पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है। भाई साहब ब्रो टुक फिल्म मेकिंग टू सीरियसली, कसम से बता रहा हूं ये वाली कॉमेडी ना थिएटर से कितने सालों से मिसिंग थी, ये नाम की कॉमेडी नहीं काम की कॉमेडी निकलती। वही परफॉर्मेंस की बात करूं तो अविनाश, प्रतीक, दिव्यंदु एंड उपेंद्र लिमा इन सब की कलाकारी का सही इस्तेमाल करते हैं कुणाल खेमू। एक एक आर्टिस्ट, एक एक सीन, एक एक फ्रेम, एक एक डायलॉग इतने हिलेरियस है, अगर ये कॉमेडी आपने नहीं विजिट किया ना तो मेरा केला किसी को कॉमेडी कहते। ओवरऑल मडगांव एक्सप्रेस बैठे बैठे गोवा के साथ साथ रशियन का टिकट भी दिला देता है, इतना वाइब है फिल्म में। अच्छा देखना अभी कुछ लोग आएंगे इस फिल्म को 3-3 स्टार देंगे एंड ये वही लोग रहेंगे जो बोलते हैं कि यार कॉमेडी फिल्म बनाना बहुत टफ है, कॉमेडी फिल्म जल्दी आती नहीं है। अरे तो गांडू लोग जाके 2 ना 4-4 स्टार तभी आएगी, तभी मोटिवेशन मिलेगा ऐसे डायरेक्टरों को ऐसा कॉमेडी लाने के लिए, एंड क्यों नहीं भाई हक से बनता है। मैं तो हंसता खेलता हूं इस फिल्म को 4 out of 5 स्टार, मजा आ गया, पैसा वसूल होगा, मैं तो वापस जाऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।